नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ओवरफिन स्टोकर्स को डिस्कस करेंगे जो कि कोल बर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ओवरफिन स्टोकर्स मेनली दो तरह के होते हैं, ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर और स्प्रेडर स्टोकर। वन बाय वन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर, ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर दो तरह के हैं, चेन ग्रेट टाइप हो सकता है या बार ग्रेट टाइप हो सकता है। दोनों में मेन डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि जो ग्रेट सरफेस है दोनों का वो अलग है, यानी ग्रेट की जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों में डिफर करती है, अदरवाइज़ बाकी का सारा कंस्ट्रक्शन सेम रहता है दोनों में। तो जो चेन ग्रेट टाइप है उसमें जो ग्रेट सरफेस होता है वो कास्ट आयरन की लिंक्स से बना हुआ होता है, यानी कास्ट आयरन की लिंक्स को एक दूसरे से पिन से कनेक्ट किया जाता है। जब ये लिंक से लिंक कनेक्ट हो जाती है तो ये एक एंडलेस चेन के फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से जो चेन का अगर ग्रेट चेन से बना हुआ है तो वो चेन ग्रेट टाइप कहलाएगा, और बार ग्रेट टाइप में ग्रेट सरफेस जो है वो कास्ट आयरन के कुछ सेक्शंस से बना होता है, यानी छोटे छोटे कास्ट आयरन के सेक्शंस होते हैं वो कैरियर बार्स के ऊपर रखे हुए होते हैं, और इस तरह से ये जो ग्रेट बनता है ये बार ग्रेट कहलाता है। तो दो तरह के ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर्स हो गए, चेन ग्रेट टाइप और बार ग्रेट टाइप। ये जो फिगर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये चेन ग्रेट स्टोकर का फिगर दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ ग्रेट में कंस्ट्रक्शन में या तो बार है रखे हुए या फिर चेन है, अदरवाइज़ ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों में ही सेम रहेगा। तो मैकेनिज्म दोनों की सिमिलर है इसलिए हम एक ही स्टोकर को डिस्कस कर रहे हैं, और वो है चेन ग्रेट स्टोकर। तो ये चेन ग्रेट स्टोकर में जो मेनली एक एंडलेस चेन है हमारे पास में जो कि फ्यूल बेड के सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और जो चेन होती है वो दो स्प्रॉकेट व्हील्स जो कि आगे और पीछे फर्नेस के फ्रंट और बैक साइड में लगे हुए होते हैं, उन स्प्रॉकेट व्हील्स के ऊपर ये चेन ट्रैवल करती है। जो इसमें फ्रंट स्पोकर होता है, स्प्रॉकेट होता है जो आगे की तरफ फर्नेस के ऊपर लगा हुआ होता है, ये जो स्प्रॉकेट व्हील्स दिखाई दे रहे हैं फिगर में ये, और ये जो फ्रंट वाला स्प्रॉकेट व्हील होता है ये वाला, ये एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है। यानी अगर हमें चेन को अलग अलग स्पीड्स पर ट्रैवल करना है, चलाना है, तो हम इस वेरिएबल स्पीड ड्राइव मैकेनिज्म से उसको अलग अलग स्पीड्स देते हैं। इसमें कोल जो है एक हॉपर लगा हुआ है स्टोकर के फ्रंट में, वहाँ से कोल को फीड किया जाता है। फिगर में हॉपर दिखाई दे रहा है, ये कोल हॉपर है और ये स्टोकर के फ्रंट साइड में लगा हुआ है, यहीं से कोल को फीड किया जाएगा फर्नेस के अंदर। इसमें जो कोल की या फ्यूल की डेप्थ होती है ग्रेट के ऊपर आने वाली, जो उसकी मोटाई है, थिकनेस है या डेप्थ है, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय हैंड एडजस्टेड गेट, एडजस्टेबल फ्यूल गेट हमको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक गेट बना हुआ है यहाँ पर, इससे हम इसको नियंत्रित करते हुए, इसको रेगुलेट करते हुए फ्यूल की डेप्थ को हम नियंत्रित करते हैं। जो ग्रेट की स्पीड है, यानी ग्रेट ट्रैवल कर रहा है लगातार, उसकी स्पीड को वेरी किया जाता है कोल की फीडिंग के हिसाब से। कोल किस गति से फर्नेस में आ रहा है उसी हिसाब से हमारे ग्रेट की स्पीड भी कंट्रोल की जाती है। तो इसमें एक कंबशन कंट्रोल लगा हुआ होता है जो कि ऑटोमेटिकली ग्रेट की स्पीड को रेगुलेट करता रहता है, जिससे कि हमको जो भी स्टीम जनरेशन की रेट है उस अकॉर्डिंग कंबशन मिल जाएगा। इसमें ऐश जो होता है वो क्योंकि जब कोयला जलेगा तो उसमें से ऐश कंटेंट निकलेगा, कुछ हो थोड़ा बहुत कंबस्टिबल मटेरियल भी रह जाता है जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, ये सारा ही पिछले वाले स्टोकर के वहाँ से होता हुआ, क्योंकि लगातार चेन रोटेशन में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो पूरा ये जो ऐश कंटेंट है ये पीछे वाले स्टोकर तक पहुँचता है और वहाँ से ये ऐश पिट में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें हमको एयर के लिए, कुछ प्राइमरी एयर के लिए पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं फिगर में।
ये तीन पोर्ट्स बने हुए हैं। तो जो कंबशन के लिए ये प्राइमरी एयर जो सप्लाई की जा रही है, ये हमारे ग्रेट के बिल्कुल नीचे एयर इनलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से ये फर्नेस में एंटर होती हैं। और जो सेकेंडरी एयर है वो ऊपर जो फर्नेस की वॉल है उसमें कुछ ओपनिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ से सेकेंडरी एयर एंटर होती है। तो प्राइमरी एयर बेड के फ्यूल बेड के नीचे से एंटर हो रही है, और सेकेंडरी एयर जो कि टर्बुलेंस प्रोवाइड करेगी, जो कि प्रॉपर कंबशन प्रोवाइड करेगी, वो फर्नेस वॉल के ऊपर से एंटर होती है। इन्हीं दोनों के कंप्लीट कॉम्बिनेशन से, यानी प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर के कॉम्बिनेशन से हमको प्रॉपर टर्बुलेंस मिलता है, जिससे कि हमारा कंबशन फास्ट गति पर होता है। ये जो प्राइमरी एयर है ये ऑलमोस्ट ग्रेट के पूरे ही पोर्शन पर हमको दिखाई दे रहा है, तो इट नियरली कवर्स 20-40% ऑफ द ग्रेट एरिया। ग्रेट का जितना एरिया है उसका तकरीबन 20-40% एरिया इन एयर ओपनिंग्स के द्वारा लिया गया है, यानी इतना भाग जो है वो एयर ओपनिंग्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें कुछ एयर डैम्पर्स भी लगे हुए होते हैं, जो कि हमारी एयर सप्लाई को अलग अलग जोन्स से लाने के लिए को उसको कंट्रोल करते हैं। अगर जब कोल को सप्लाई किया जाता है ग्रेट पर, तो उसको रेगुलेट करने का या उसको नियंत्रित करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक तो हमने बताया कि हमारे पास में ग्रेट वॉल्व लगा हुआ है, यानी ये एडजस्टेबल फ्यूल गेट लगा हुआ है, इससे हम ग्रेट की ट्रैवल को नियंत्रित करते हैं, या हम कहें कि डेप्थ ऑफ कोल को नियंत्रित किया जाता है। और दूसरा कोल की डेप्थ को नियंत्रित करने का एक और तरीका है, बाय वेयरिंग या बाय चेंजिंग द रेट ऑफ ग्रेट ट्रैवल। ग्रेट के ट्रैवलिंग की जो गति है उसको भी कंट्रोल करके हम डेप्थ ऑफ कोल को रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरह के ग्रेट जो हैं वो लो रेटिंग फ्यूल के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बिकॉज कि हमारे पास में जो चेन है या ग्रेट का साइज़ है वो लिमिटेड साइज़ है, और हमारा कोयला जैसे ही ग्रेट के पीछे वाले हिस्से यानी जो रियर स्प्रॉकेट व्हील है उस तक जब तक पहुंचता है तब तक ये पूरी तरह से बर्न हो जाना चाहिए। तो एक लिमिटेड लेंथ में इसको कंप्लीट कंबशन होना है, इसलिए हमेशा लो रेटिंग फ्यूल्स के लिए ही ये ग्रेट से ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। और इससे जो बर्निंग की रेट आती है वो तकरीबन 200 से 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर आती है, जबकि हम फोर्स ड्रॉट यूज़ में लेते हैं। तो कैसा भी फ्यूल अदर देन बिटुमिनस कोल वो हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड लो इनिशियल कॉस्ट। कम सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, इनिशियल कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है। इसके बाद सेकंड है कि इट इज़ मोर रिलायबल इन सर्विस, तो देयरफॉर मेंटेनेंस चार्जेस आर लो, क्योंकि सर्विस रिलायबल है तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम रहती है। सेल्फ क्लीनिंग स्टोकर है, हमने देखा कि ऐश जो है ऑटोमेटिकली इस पे चेन पे चलता हुआ और लास्ट वाले स्प्रोकेट व्हील तक पहुंचकर ये ऐश पिट में कलेक्ट हो जाता है, तो सेल्फ क्लीनिंग स्टोकर है। और इसमें जो हीट रिलीज रेट है, यानी कि कंबशन की जो रेट है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय जस्ट कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ चेन। कंबशन की रेट को कंट्रोल करना है, प्रॉपर कंबशन हमको नहीं मिल पा रहा है या रिक्वायरमेंट कम हो गई है स्पीड स्टीम फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर कम हमें चाहिए, तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हमको एक हम चेन की स्पीड को अगर कंट्रोल कर लें तो कंबशन की रेट को भी या हीट रिलीज रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इट गिव्स हाई हीट रिलीज रेट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इसमें हीट रिलीज रेट जो है वो काफ़ी हाई होती है। डिसएडवांटेजेस इसके, फर्स्ट डिसएडवांटेज हैं कि इट हैज़ लेस कोल कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि फर्नेस का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, तो कोल कैरिंग कैपेसिटी इसकी लिमिटेड है। और इनफैक्ट दूसरा कारण है कि ग्रेट जो है वो ट्रैवलिंग ग्रेट है,
तो लगातार उस पर कम्बशन होना ज़रूरी है, सो वी कांट यूज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल। तो सेकंड है, टेम्परेचर ऑफ प्री हीटेड एयर इज़ लिमिटेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जो यहाँ पर प्री हीटेड एयर जो एंटर हो रही है, दैट इज़ द प्राइमरी एयर, उसकी टेम्परेचर की लिमिटेशन 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, क्योंकि ये सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्टैक्ट में आता है ग्रेट के, देन ऐश। ऐश की कूलिंग के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट है कि जो प्राइमरी एयर हो वो ज़्यादा हॉट नहीं होनी चाहिए, सो दैट कि ऐश की कूलिंग प्रॉपर होगी। ग्रेट की जो है, ग्रेट की भी, ग्रेट भी कंपैरेटिवली कूल रहे, तो इसके लिए हमारे प्री हीटेड एयर में लिमिटेशन आती है 180 डिग्री सेल्सियस की। देन थर्ड, इसमें क्लिंकर फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, जो कोयला है और ऐश है उसका, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होते हैं, गर्म होने से क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। देन इग्निशन आर्चेज आर रिक्वायर्ड, जगह जगह हमको इग्निशन पॉइंट्स देने पड़ते हैं कंबशन को स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ द लॉस ऑफ कोल पार्टिकल्स विद ऐश, और हमेशा ही कुछ ऐसा फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में कोल होता है जो कि ऐश के साथ में कैरी अवे हो जाता है। तो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ग्रेट टाइप स्टोकर। देन जो दूसरा टाइप ओवरफीड सप्लाई ऑफ कोल में जो दूसरे तरह का स्टोकर आता है, दैट इज़ द स्प्रेडर टाइप और स्प्रिंकलर स्टोकर। तो ये भी एक ओवरफीड टाइप का स्टोकर है, और इसमें जो कोयला बर्न होता है वो पार्टली सस्पेंशन में और पार्टली ग्रेट के ऊपर उसका कंबशन होता है या उसकी बर्निंग होती है। तो सस्पेंशन मतलब जबकि कोयला हवा में है, ग्रेट तक नहीं पहुंचा है, आधा कोयला वहीं पर ही बर्न हो जाता है और थोड़ा कोयला ग्रेट के ऊपर आकर वहाँ पर उसकी बर्निंग होती है। तो स्प्रेडर टाइप में मेनली हमारे पास में वेरिएबल फीडिंग डिवाइस होती है, जिससे फीड रेट को कंट्रोल किया जाता है। फिर एक मैकेनिज्म इसमें होती है जिससे कोल को पूरी ग्रेट के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कुछ हमारे पास में जगह जगह ओपनिंग्स होती हैं जो कि एयर के लिए एडमिशन का काम करती हैं। ये जो इसमें कोल फीडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज्म है, कोल को फीड करना है, कोल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा मैकेनिज्म ग्रेट की फ्रंट वॉल के ऊपर होता है, और ये फिगर में हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक फीडर लगा हुआ है, एक स्प्रेडर लगा हुआ है। तो ये फर्नेस की वॉल के ऊपर ही हमने अरेंजमेंट दिया हुआ है, जिससे कोल की फीडिंग हो रही है और कोल को ग्रेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फीडर और स्प्रेडर की हेल्प से। इसमें जैसा बताया, जैसे ही कोयला आएगा इसमें सप्लाई होगा, तो आधा कुछ उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो उसके जब वो हवा में होगा, सस्पेंडेड अवस्था में होगा, उस वक्त बर्न हो जाएगा, और बाकी का कोयला जो है वो ग्रेट पर आ जाएगा और वहाँ उसकी बर्निंग हो जाती है। तो इसमें जो एयर सप्लाई की जाती है FD फैंस के द्वारा, वो उसकी ग्रेट में कुछ हमको ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे एयर लिखा हुआ है, वहाँ से ये प्राइमरी एयर इसमें सप्लाई की जाती है, और इसी प्राइमरी एयर का कुछ पोर्शन जो है वो फ्यूल को ग्रेट पर बर्न करेगा, और जो रिमेनिंग एयर है वो उसके वोलेटाइल मैटर को बर्न करने का काम करेगी, और कुछ फाइन पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में हैं उनकी बर्निंग का काम भी ये रिमेनिंग पोर्शन करेगा। जो इसमें ओवर फायर कहें या सेकेंडरी एयर कहें, ये नोज़ल्स के थ्रू सप्लाई होती हैं, और फिगर में हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सेकेंडरी एयर नोज़ल्स के थ्रू इसमें सप्लाई की जाएगी, जो कि हाई टर्बुलेंस क्रिएट करेगी, जिससे कंप्लीट कंबशन होगा वोलेटाइल मैटर का और कोल के फाइन पार्टिकल्स कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। जो अनबर्न्ड कोल होता है या ऐश कंटेंट जो इसमें बनता है, उसको बारी बारी थोड़ी समय के बाद में, कुछ समय अंतराल पश्चात इसको हटाया जाता है मैनुअली। तो हमने देखा कि जो चेन टाइप था या ट्रैवलिंग रेट टाइप था उसमें ये ऑटोमेटिकली हो रहा था, बट स्प्रेडर टाइप स्प्रिंकलर टाइप में ये मैनुअली ऐश कंटेंट जो है वो निकाला जाता है। इसमें भी ग्रेट वैसे दोनों तरह के हो सकते हैं, अगर ये स्टेशनरी है तो ऐश कंटेंट को निकालना पड़ता है, कई बार इसमें भी मूविंग ग्रेट टाइप का स्प्रेडर स्ट्रोकर होता है। तो 10 मेगावाट कैपेसिटी प्लांट्स तक स्टेशनरी ग्रेट यूज़ में लिए जाते हैं, और 10 से 30 मेगावाट कैपेसिटी के लिए मूविंग ग्रेट्स यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें दो टर्म्स दिख रहे हैं,
फीडर और स्प्रेडर, ये हमको फिगर में दिखाई दे रहे हैं दो चीज़ें, फीडर और स्प्रेडर। तो फीडर क्या होता है, इट इज़ अ स्लो स्पीड रोटेटिंग ड्रम जिसके ऊपर कई सारी छोटी छोटी ब्लेड्स माउंट की हुई होती हैं। तो ये एक ड्रम है और स्लो स्पीड पर चलता है, लगातार रोटेट हो रहा है स्लो स्पीड पर, और इसके ऊपर छोटी छोटी ब्लेड्स माउंट की हुई होती हैं। ये स्प्रेडर को कोल की कंटिन्यूस सप्लाई करता है, इसकी स्पीड को हम लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसकी रोटेशन की स्पीड ही हमको इसकी फीडिंग स्पीड को चेंज करने में हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगी हुई होती है जिससे कि कंबशन की रेट को कंट्रोल किया जाता है। देन जो स्प्रेडर है ये एक रैपिडली रोटेटिंग शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है जो कि फास्ट स्पीड पर रोटेट होती है, और इस पे इसके ऊपर भी ब्लेड लगी हुई होती है। ये ब्लेड्स जो हैं ट्विस्टेड होती हैं, ट्विस्ट फॉर्म ट्विस्ट कंस्ट्रक्शन की होती हैं, और ये इनका काम है कि ये कोल को पूरा ग्रेट के ऊपर फैलाने का काम करती हैं। तो क्योंकि इस यहीं से स्प्रेड होके कोल फर्नेस में जाएगा, तो कंप्लीट ग्रेट को ये एरिया कवर करे, उस हिसाब से ये हमारा स्प्रेडर लोकेट किया हुआ होता है। इसमें क्योंकि ये फास्ट रोटेटिंग है तो जो इसके ऊपर ब्लेड्स लगी हुई हों उनके ऊपर कोयला आकर गिरता है फीडर पर से, और ये उसको फर्नेस के अंदर गिराने का फैलाने का काम करता है। तो जितना भी ग्रेट के ऊपर कोयला कितनी दूरी तक फैलेगा, कितने एरिया को कवर करेगा, ये डिपेंड करेगा स्प्रेडर की स्पीड पर और कोल के साइज़ के ऊपर। इन दो बातों पर डिपेंड करेगा कि ग्रेट के ऊपर कोयला कहाँ पर आकर इकट्ठा होगा या फैलेगा। इसमें जो कोल साइज़ यूज़ में लिया जाता है वो मेनली 6 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर तक का कोयला इसमें लेते हैं, और जो स्प्रेडर है उसको हमेशा हमें, जैसे हमने कोल साइज़ अलग ले लिया या उसका मॉइस्चर कंटेंट अलग हो गया, यानी डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ फ्यूल अगर हम यूज़ में ले रहे हैं अलग अलग बार, तो उसमें हमको इसमें एक हैंड एडजस्टमेंट होता है, उससे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली मॉइस्चर कंटेंट या सो हमने कहा था कि जो ग्रेट के ऊपर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह रहेगी वो कोल साइज़ रहता है। तो अलग अलग कोल साइज़ के लिए स्प्रेडर को अलग अलग स्पीड पर चलाना होता है या उसका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। तो ये मैकेनिकली करना पड़ता है, एक हमारे पास में हैंड एडजस्टमेंट लगी हुई होती है मैकेनिज़म, उस मैकेनिज़म की हेल्प से ये होता है। इसमें तकरीबन 80 टन से 150 टन तक का बॉयलर कैपेसिटी के लिए हम इस स्टोकर को जो है ईजीली यूज़ में ले सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो लिग्नाइट से लेकर सेमी एंथ्रासाइट और कई हाई ऐश कंटेंट वाले जो कोल हैं उनको यहाँ पर ईजीली, यानी वाइड वैरायटी ऑफ कोल यहाँ यूज़ में लिए जा सकते हैं इस तरह के स्टोकर में। देन इसमें क्लिंकर फॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जो हमने स्प्रेडर से जो कोयले को स्प्रेड किया है उस वजह से कोयला एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, आधा उसके बर्निंग जो है हवा में हो जाती है, आधी ग्रेट के ऊपर होती है। तो क्योंकि कोयला एक जगह इकट्ठा हुआ हुआ नहीं होता, इसलिए क्लिंकर की फॉर्मेशन यहाँ पर कम होती है। फिर इसमें प्री हीटेड एयर हाई टेम्परेचर की यूज़ में लेना इट इज़ पॉसिबल हीयर। देन फोर्थ इज़ द क्विक रिस्पॉन्स टू लोड चेंज। लोड चेंज में ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि हमारे जो ग्रेट है उसके ऊपर हमेशा ही फ्यूल जो है वो बहुत कम मात्रा में रहता है, एक साथ उस पर नहीं गिराया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, इसलिए लोड के अकॉर्डिंग हम इसमें क्विक चेंजेस कर सकते हैं। देन कंबशन की रेट फास्ट होती है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है, और ऑपरेशन कॉस्ट भी यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। डिसएडवांटेजेस इसके देखें तो फर्स्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट स्प्रेडर विथ वेरिंग कोल साइजेस एंड मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जिस तरह से अगर हम अलग अलग साइज़ के अगर कोल लेते हैं जिसमें अलग मॉइस्चर कंटेंट हो, तो हमें स्प्रेडर को बार बार उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसकी स्पीड को वेरी करना पड़ता है। तो अलग स्पीड अलग कोल्स की अलग क्वालिटीज़ के लिए या अलग साइज़ के लिए स्प्रेडर को ऑपरेट करना मुश्किल होता है। देन फ्लाई ऐश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो बर्निंग हो रही है वो कुछ पार्ट उसका सस्पेंशन के दौरान हो रहा है, तो इसलिए फ्लाई ऐश
बहुत ज़्यादा यहाँ क्रिएट हो जाती है, और कई बार इसमें एक डस्ट कलेक्टर को भी प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है टू कैप्चर दिस फ्लाई ऐश। और थर्ड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर ऑल्सो कैरिड विथ एग्जॉस्ट गैसेज, अगर इस तरह के, क्योंकि जो ये सस्पेंशन में जो बर्निंग हो रही है और ग्रेट के ऊपर जो बर्निंग हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसे कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि अनबर्नड अवस्था में होते हैं, ये भी हमारे एग्जॉस्ट गैस के साथ में चले जाते हैं और फिर से ये बर्निंग में, फर्नेस में ये वापस इनको ट्रैप किया जाना हमारा ज़रूरी है, सो दैट कि हमारा कोई कंबशन सिस्टम में किसी भी तरह का लॉस इसकी वजह से ऐड नहीं हो। तो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में निकलने वाले अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को भी यहाँ पर ट्रैप करने की आवश्यकता होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ओवरफीड स्टोकर्स, जिसमें हमने दो स्टोकर्स पढ़े, ट्रैवलिंग रेट टाइप स्टोकर एंड स्प्रेडर स्टोकर। थैंक यू।